हे गाइस, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आप मेरी एक भी वीडियो मिस ना करें। नमस्ते एंड वेलकम टू माय किचन वेयर एनीवन कैन कुक। आई एम आमचूर। आज के इस एपिसोड में मैं बना रही हूँ नवरात्रि स्पेशल क्रिस्पी स्पाइसी आलू। तो चलिए आज की इस इजी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ मैंने एक बड़े साइज का आलू लिया है और उसे इस तरह से चॉप करके पानी में भिगो दिया है। साथ ही में एक पैन में या कढ़ाई में तेल गरम करेंगे। गरम तेल पर मीडियम हीट पर आलू डालकर फ्राई करेंगे जब तक ये हाफ डन हो जाए, यानी कि इनका कलर चेंज हो जाए। और साथ ही में जब आप नाइफ डालकर इस तरह से चेक करेंगे तो आलू में चाकू चला तो जाए पर आलू पूरा कटे ना, तो इस स्टेज पर आलू को निकाल कर एब्जॉर्बेंट पेपर पर रख देंगे और बाकी के आलू को सेम वे फ्राई करके निकाल लेंगे। अब तेल को फिर से अच्छे से गर्म करेंगे। वैसे यहाँ पर आप इन आलू को हाफ डन करके रख दें और जब आपने इन्हें सर्व करना है तब इन्हें रीफ्राई करें, क्योंकि रीफ्राई करने से ही आलू क्रिस्पी बनेंगे। तो अब इन्हें गर्म तेल पर हाई फ्लेम पर तलेंगे जब तक आलू अच्छे से गोल्डन हो जाएं। अब एक पैन में डालेंगे एक चम्मच देसी घी। घी गरम हो जाए तो ऐड करेंगे 1 टीस्पून सिंघाड़े का आटा जो मसाले को फ्राइड आलू में अच्छे से कोट कर देगा। साथ ही में सेंधा नमक, लाल मिर्च पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर, आमचूर पाउडर डालकर मिक्स कर लेंगे। लो फ्लेम पर 30 सेकंड्स के लिए भूनेंगे ताकि आटे की रॉ स्मेल खत्म हो जाए। अब इसमें फ्राइड आलू को डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं मसाला अच्छे से कोट हो गया है आलू पर। तो अब इन क्रिस्पी आलू को गर्मा गर्म सर्व करेंगे। गार्निश करेंगे धनिया पत्ती के साथ और सर्व करेंगे हरी चटनी के साथ। आप इनके ऊपर नींबू का रस भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। यम। आई होप आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले और प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। इट्स फ्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग।